27 FIR एक साथ माननीय उच्च न्यायालय में क्वेश्चनिंग के लिए दाखिल की गई थी। कई अदालतों ने सुनने के बाद आज ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस मंजू रानी चौहान में सुनवाई हुई और दो अदर मुकदमे की सुनवाई हुई। सेम FIR में रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने 5 गाटा संख्या पे FIR की थी, जिसमें 2 गाटा संख्या वो यूनिवर्सिटी के बाहर थी और 3 गाटा संख्या वो यूनिवर्सिटी के अंदर थी। जो यूनिवर्सिटी के अंदर गाटा संख्या थी उसमें जो ज़मीन हमको ज़रूरत थी उसकी हमने रजिस्ट्री किया और चेक से पेमेंट किया। उसमें एक सेक्शन 447 है, 447 क्लियर कर कहता है कि अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है तो आप उसमें बगैर नोटिस दिए FIR दर्ज नहीं कर सकते। इसको कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया और ये आदेश दिया कि आप इसमें डिटेल काउंटर फाइल करें और 24 तारीख की डेट निश्चित कर दी, 24 अक्टूबर की डेट निश्चित कर दी। FIR स्टे किया और 24 तारीख की डेट निश्चित कर दी और उस वक्त तक सारी FIR स्टे कर दिया और कोई भी क्रोसिव एक्शन हम अपीलान के खिलाफ नहीं होगा। 7 तरीके से ये जाहिर हो रहा था। आज मुकदमे के दौरान जज ने ये के संज्ञान में ये आया कि यह सारी की सारी FIR बोगस है, बनाई हुई है और आने वाले दिनों में यह सारी की सारी FIR क्वेश होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कमरुल हसन सिद्दीकी, फॉर्मल एडिशनल एडवोकेट जनरल। पहले बहुत दूर से आए हैं, कोर्ट बंद है। शासन सत्ता हो पहले राउंड में